हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले 24 आवर्स चैलेंज सोलो कैंपिंग माउंटेन्स के अंदर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखते हैं गाइस क्या ये चैलेंज हम कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए गाइस। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अपने टू व्हीलर पे। अभी हम ढूंढते हैं माउंटेन्स को और अच्छी लोकेशन देख के, स्पॉट देख के हम जो है ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद हमें मिल चुका है एक माउंटेन, देख सकते हैं आप। तो गाइस फाइनली उस साइड से जो है ना रास्ता बंद था तो हमें बैक साइड से आना पड़ा। तो देख सकते हैं आप माउंटेन्स। अभी हम वहाँ जाके जो है ना कैंपिंग करेंगे 24 आवर्स। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 8 बजे। दोस्तों 8 बजे इतनी धूप है कि भाई बोल नहीं सकते। अब नेक्स्ट अगले दिन के 8 बजे तक हमें वहाँ कैंपिंग करना पड़ेगा। गाइस ये देख सकते हैं ये हमें क्या मिला, एक कॉक का पंख। वाओ गाइस बहुत अमेजिंग है यार। देखते हैं गाइस। तो ये चैलेंज बहुत रिस्की होने वाला है क्योंकि सांप वांप भी यहाँ बहुत रहते हैं। चलिए गाइस। दोस्तों मेरी टू व्हीलर मैंने वहीं रख दी नेक्स्ट 24 आवर्स तक। तो गाइस आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप का जो बाउंड्री वॉल है जो लगा है, यहाँ पे जाना डेंजर है। वहाँ पे एक्चुअली मेंशन भी करा था उन लोग ने, लेकिन कोई नहीं दोस्तों हम लोग जाएंगे। तो फाइनली गाइस एक जो है ना हमें स्पेस मिल चुकी है अंदर जाने के लिए। तो यहाँ से जाते हैं हम लोग। तो फाइनली गाइस देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, देख सकते हैं आप चारों ओर। अभी मैं जोर से पुकारता हूँ। सो फाइनली गाइस काफ़ी समय के बाद हमें जो है ना एक जगह मिल चुकी है स्टे करने के लिए। धूप होते गाइस हमें तकरीबन 2 आवर्स हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इस बार मैं आपको ऊपर का व्यू दिखा देता हूँ कि हम लोग पूरी माउंटेन्स के ऊपर है या नहीं। तो चलिए एक बार दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस माउंटेन काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं हम। माउंटेन ड्यू टर्की ये देख सकते हैं गाइस आप लोग। फाइनली हम लोग पूरा पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। ये दिखाता हूँ मैं आपको बैक साइड का व्यू। भाई 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 भाई, भाई देखिए चारों तरफ कोई नहीं। ओ भाई 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 काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पे आने में। अब हमें कैंपिंग यहीं पे करनी होगी। तो फाइनली गाइस पूरे 4 घंटे के बाद जो है ना मैं पहुँच चुका हूँ इस माउंटेन के ऊपर। अभी मुझे यहीं पर कैंपिंग जो है ना करना पड़ेगा। अब मैं शाम के लिए कुछ बंदोबस्त करता हूँ। फाइनली मैंने जो है ना शाम के लिए ये लकड़ी का बंदोबस्त कर लिया है। तो फाइनली गाइस अपना ब्रेकफास्ट मैंने अभी कंप्लीट कराया है। अब मैं कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करता हूँ। गाइस नींद आ रही है और ये देख सकते हो आप ऊपर का व्यू कितना अमेजिंग है। सो फाइनली गाइस रात के 7 बज चुके हैं और यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है और पिकॉक की बस आवाज़ आ रही है। जंगल बहुत डरावना दिख रहा है गाइस, ये देख सकते हो आप। मुझे तो बहुत डर लग रहा है गाइस, आग लगा के कुछ गर्म हो जाते हैं, सर्दी बहुत हो रही है। चोर लेटर ला लिया था। सो फाइनली गाइस मुझे अभी नींद बहुत आ रही है तो अभी हम लोग करते हैं सोने का बंदोबस्त। मुझे यहाँ देख समझ के सोना होगा, कुछ भी आ सकता है। तो फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है और नेचर का व्यू ही अलग होता है। सनराइज हो रहा है अभी। ये देख सकते हैं गाइस आप बर्ड्स के जो है ना घर है ये, और यहाँ से जो सनराइज हो रहा है और नेचर में रहने का फील ही अलग। बर्ड्स की पूरी इंसेक्ट्स की आवाज़ आ रही है। देखिए गाइस पानी जा रहा है नीचे से पहाड़ से होते हुए, बिल्कुल साफ पानी गई थी। तो गाइस अपना चैलेंज कंप्लीट होने में बस 1 घंटा बाकी है और दे सकते हैं मुझे ब्रेकफास्ट के लिए क्या मिला, ये सीताफल अभी तोड़ के खा लेंगे।
तो फाइनली गाइस इसी के साथ हमारा चैलेंज जो है कंप्लीट हो चुका है। सुबह के अभी 8 बज चुके हैं, तो गाइस ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना गाइस।